ऐसा ही फ्लैग अगर आप भी अपनी टाटा अल्ट्रॉज में बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, उसमें आपको पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे इसकी कटिंग करनी है, कैसे इसको चिपकाना है और कैसा इसका फाइनल लुक आएगा। तो ऐसा फ्लैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये तीन पीस चाहिए होंगे, जिसमें मैंने ऑरेंज लिया है, वाइट लिया है और ग्रीन लिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये वाले जो तीन आप डॉट्स देख रहे हैं मैं इनमें लगाऊंगा, ये बड़े हैं और इधर का ये छोटा साइज़ है और ये किनारे अच्छा भी लगेगा। तो सबसे पहले हमें ये तीन पीस चाहिए होंगे जिसमें मैंने ऑरेंज, वाइट और ग्रीन कलर लिए हैं। और सबसे पहले मैं इसको सीज़र की मदद से तीनों को सही शेप में काट लूँगा, जो कि यहाँ पर फिट हो जाए, आप देखिएगा। तो इसको हम काट लेते हैं फटाफट। तो मैंने इनको प्रॉपर शेप में काट लिया है, देख लीजिए आप। और अब इसको हम चिपका लेते हैं इस पर। और ऐसी स्टिकर आप अगर चाहते हैं किसी भी नंबर प्लेट वाली दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे। मुझे तो ये लगभग 10 रुपये में मिल गए थे, तो आप भी ले सकते हैं। तो अब हम इसको चिपकाते हैं। तो चिपकाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाला जो सरफेस है इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे किसी कपड़े की मदद से, उसके बाद इसको हम ये स्टिकर इस पर चिपकाते हैं। तो सबसे पहले इसको बड़ी ही आसानी से हम लोग इसका पीछे वाला पोर्शन निकाल लेंगे और ये जो आगे वाला पोर्शन है ये हम लोग इसमें चिपका देंगे। ये हमारा ऑरेंज चिपक गया है, अब हम चिपका लेते हैं वाइट को। बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे और ये इनमें अच्छा खासा ग्लू है, तो ये ऐसे चिपकेंगे, आपको दोबारा उखाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, और हाथों की मदद से आप इसको थोड़ा सा अच्छे से दबा दीजिए किनारे किनारे, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पेस्ट हो जाएगा। तो मैंने ये देखिए तीनों इस पे चिपका दिए हैं। और अब मुझे इस फाइनल काम क्या करना है, मुझे कटर की मदद से इसकी ये साइड कटिंग करनी है ताकि ये प्रॉपर शेप में आए। और अभी तो आप लुक देख सकते हैं कैसा लग रहा है, और इसका हम फाइनल लुक आपको मैं दिखाता हूँ अभी। तो हमने इसकी अच्छी तरीके से कटिंग कर दी है सराउंडिंग, आप देख सकते हैं क्या फिनिशिंग है इसकी, और देखने में दूर से ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।